नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 14 अक्टूबर 2019, और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं, जो टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, जो वेबसाइट पर देता हूं, जो लाइव मार्केट में देता हूं, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आपके लिए, यहाँ पर हम लोग इस बात को देखेंगे कि इसमें टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ। इन सारी चीजों को यहाँ पर मैं एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल के थ्री स्टार सेक्शन में पहला स्टॉक दिया था मैंने अडानी पोर्ट का, तो चलिए अडानी पोर्ट को देखते हैं। अडानी पोर्ट तो आज दिन भर आप लोगों को थकाया होगा, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरा भी ट्रेड लगा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने 412 के आसपास में उसको निकाल दिया था, 411.50 के, जब उसने ब्रेक किया था वो कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था तब। लेकिन खैर, यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा हुआ है या नहीं हुआ है। अडानी पोर्ट का चार्ट यहाँ ओपन नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको एमए ब्रोकर में चेक कर लेते हैं। 411 के ऊपर अडानी पोर्ट को बाय करना था। चलिए, अडानी पोर्ट का ये 5 मिनट का चार्ट हम लोगों ने लगा लिया, और यहाँ है ये पहली कैंडल। तो पहला टारगेट 411 था। स्टॉक ने जो हाई लगाया है ओपन होते के साथ ही, इसने जो हाई लगाया उस बात को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जो इसने आज हाई लगाया है ओपन होते के साथ, 413 का हाई लगा दिया, यानी कि वहीं से हाई लगाने के बाद स्टॉक नीचे गिरा, और दोबारा ये 411 के पास यहाँ कहीं पे आपको बाइंग का मौका दिया है। स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया पूरे दिन भर, लेकिन टारगेट भी नहीं आया। अंत में लास्ट में ये कितने बजे हिट हुआ है स्टॉप लॉस, लगभग 3 बजे, 3 बजे आपका स्टॉप लॉस सेल बाय साइड का हिट हो गया। टारगेट नहीं दे पाया, 412 तक जा पाया, बाद में पहला 413 तक चला जा चुका था। तो इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपका इसमें एसएल कट गया होगा, और सेल साइड 406 के नीचे सेल करना था। तो स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया 406 के नीचे, इसको देख लेते हैं हम लोग। 406 के नीचे जब आपने सेल किया है इसको, यहीं कहीं पे 406 के नीचे आपने सेल किया होगा, 406, ये 3:15 बजे, फिर तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मौका ही नहीं मिला आपको। 3:20 में यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो पाया, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा स्टॉक था दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं, इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और हाई लगा के आया है 1477 का। हमारा जो फाइनल टारगेट था 1476 का टारगेट था, स्टॉक्स ने हाई बिल्कुल लगाया है, उसी के पास में हाई लगाया, यानी ऊपर के तीनों टारगेट अचीव हुए। अपोलो हॉस्पिटल में सेल करना था 1440 के नीचे, तो आया ही नहीं स्टॉक हमारा अपोलो हॉस्पिटल में, तो सेल ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, 724 के ऊपर बाय करना था, 724 के ऊपर यहाँ कहीं पे आपको बाय करना था टेक महिंद्रा को। यहाँ पे टारगेट जो था पहला हमारा 729 का है ना, 729 का टारगेट था, इसने हाई लगाया है 728.70 रुपये का। अब आप इसको टारगेट मानेंगे या क्या मानेंगे, क्योंकि 30 पैसे से 25 पैसे से आपका टारगेट बच रहा है, तो मैं तो मेरे नज़र में टारगेट हुआ, आपकी नज़र में क्या हो आप डिसाइड करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। उसके बाद 734 तक ये गया नहीं, फिर नीचे आ गया, सेल करना था 717 के नीचे, 717 के नीचे आया ही नहीं है ये स्टॉक, तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया। तो आपने प्रॉफिट लिया, अडानी पोर्ट में लॉ स्टॉप लॉस हिट हुआ, अपोलो में प्रॉफिट लिया, और टेक महिंद्रा में भी एक टारगेट अचीव हुआ। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर में जो दिया था, और बैंक निफ्टी का भी जो मैंने दिया हुआ था, तो निफ्टी को भी ओपन कर लेते हैं। देखिए, रिव्यू कर लेने से क्या होता है ना, अपनी चीजें अपना रिव्यू करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं आप अपना भी क्या रहे हैं? आपने भी जो स्टॉक ढूंढा है आप उसका भी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, क्या आपने आपके हिसाब से वो चला नहीं चला, क्या गलती हुई नहीं, सारी चीजों को देखिए। 11,335 के ऊपर बाय करना था, गैप अप ओपन हुआ, टारगेट हमारा पहला था 11,370 का, तो खैर 11,335 के ऊपर हमें कहीं बाय करना था, 11,335 के ऊपर आपने यहाँ कहीं इस, देखिए बाय करने का मतलब क्या है आप लोगों को, फिर आप लोग नए सब्सक्राइबर अगर हो मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाय करने का मतलब था नीचे से ऊपर जाना है, उस लेवल को ब्रेक करना चाहिए नीचे से ऊपर। अगर आपने सेकेंड कैंडल यानी रेड पे ही बाय कर लिया, यानी ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो हमें ऊपर से नीचे कभी बाय नहीं होता है, बाय जब भी होता है नीचे से ऊपर बाय होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते हुए इस बात को। तो आपको इस कैंडल पे कहीं बाय करना था 11,335 पर, यहां कहीं आपको बाय करना था, और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस था, पहले हम देख लेते हैं स्टॉप लॉस 11,300 का एसएल था, तो 11,300 का एसएल कटा नहीं हमारा हालांकि इस जगह पे, और टारगेट सारे टारगेट 11,370, 11,405 और ऊपर 11,440 जो भी था, उस सारे स्टॉक्स ने हाई लगा के आपको जो दिया है इंडेक्स ने, 11,433 तक का हाई लगाया, लगभग लगभग तीनों टारगेट अचीव हो गया। सेल करना था 11,280 के नीचे, तो 280 के नीचे आया ही नहीं, तो सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया। तो निफ्टी फ्यूचर में भी आपने प्रॉफिट कमाया। बैंक निफ्टी की बात कर ले,
एक मिनट दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 28,180 के ऊपर बाय करना था, 28,180 के ऊपर। स्टॉक ने ओपन होते ही शुरू के 5 मिनट में ही देखिए हाई जो लगाया 28,800 का लगभग हाई लगाया, तो इधर हमारा बात ही खत्म हो गया, फाइनल टारगेट सबसे ऊपर चला गया, तो खत्म ही हो गया। आपको मौका ही नहीं मिला होगा शुरू के 5 मिनट में, तो ऐसे भी नहीं करना है। बाद में आपको मौका मिला कि नहीं वो देख लेते हैं। 28,180 के ऊपर बाय करना था, यहाँ कहीं पे आपको बाय करने का फिर इस कंडीशन में भी मौका मिला है, और स्टॉक्स ने सारे टारगेट फिर आपको अचीव करके 28,380 का टारगेट था 28,626 तक दिया। सेल करना था 28,050 के नीचे, उसके स्टॉक नीचे आया ही नहीं, तो सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया हमारा, तो बाय साइड में इसने टारगेट इसने भी दिया। अब बात करते हैं जो मैं लाइव मार्केट में कॉल या अपने वेबसाइट पहले पहले देता हूँ। देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर वेबसाइट का एक लिंक आता है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले है ना, यहाँ एक लिंक आएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो मेरे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, मेरा वेबसाइट rktrading.online ओपन हो जाएगा। वहां मैं दो स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ इंट्राडे के लिए। उसमें आज जो स्टॉक्स मैंने दिया हुआ था ना, पहला स्टॉक था दोस्तों MGL का, दूसरा इंडिगो का था। तो चलिए उसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैंने दो स्टॉक प्रोवाइड किया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, MGL और इंडिगो। तो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस हुआ क्या नहीं हुआ। इंडिगो को बाय करना था 1,755 के ऊपर, तो चलिए ये पहली कैंडल है, 1,755 के ऊपर गया या नहीं उसको देखेंगे। शुरू के 5 मिनट को इग्नोर किया, सेकेंड कैंडल ने फिर ऊपर हाई ऊपर से ओपन हुआ ना 1,765, उस वक्त वेट करेंगे, हमें बाय करना 1,755 के ऊपर, तो यानी नीचे से ऊपर वो उस प्राइस को ब्रेक होना चाहिए 1,755। आपको कहीं इस कैंडल पे, हम मैं मान सकता हूँ कि आपने इस कैंडल पे बाय करना पड़ा होगा। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 1,747 का कटा या नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। यहाँ से देने के बाद स्टॉक सीधे नीचे आ गया, बात ही खत्म हो गया हमारा, इसमें हमारा मजा ही नहीं आया, खत्म हो गया। और सेल करना था 1,740 के नीचे, तो स्टॉक 1,740 के नीचे सेकंड कैंडल इस कैंडल में, यानी इसमें आपका स्टॉप लॉस कटा। बाद में सारे टारगेट अचीव हुए, बात का तो बाद ही हो जाता है, जब एसएल ही कट गया तो बात फिर क्या करेंगे। तो इसमें हमारा लॉस हुआ इंडिगो में। एमजीएल को बाय करना था 921 के ऊपर, तो इसका रिजल्ट के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं, सारे टारगेट अचीव, टारगेट के ऊपर टारगेट चला गया है ना, तो ये एमजीएल में सारे टारगेट हिट हुए, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करता हूँ लाइव मार्केट में जो मैंने दिया था, पेट्रोनेट एलएनजी को बाय करने दिया था 261 के ऊपर, शायद मैंने एसएल हिट लिखा हो, जी एसएल हिट हो चुका था पेट्रोनेट एलएनजी में। उसके बाद आईएनआर का दिया था, यूएसडी आईएनआर का, तो इसके रिजल्ट के बारे में बात करने की कोई जरूरत है नहीं, तूफानी रफ्तार से आईएनआर चला है आज, तूफानी रफ्तार जिसको बोलते हैं। रिलायंस को सेल करने दिया था 1,352 के नीचे, तो 1,352 के नीचे रिलायंस जिस वक्त मैंने दिया, रिलायंस उस वक्त आया ही नहीं है, उसके बाद से 1,352 के पास आया ही नहीं है। मैं टाइम के साथ दिखा सकता हूँ आपको, है ना, 1,352 के नीचे रिलायंस को मैंने कहाँ पे दिया था, लगभग 9:30 यहाँ पे देखते हैं, 1,352, हाँ 9:41 के आसपास दिया, 9:41 के पास दिया, उसके स्टॉक आया ही नहीं, उस वक्त चला ही गया सारा ऊपर, तो बात ही खत्म हो गई हमारी। बाद में अगर आपने इस वक्त यहाँ पे लिया होगा 1,352 के नीचे सेल करना था, तो फिर वहीं से फिर स्टॉक्स ने रिटर्न ले लिया। फिर बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो इसका तो खैर रिजल्ट का बात ही नहीं कर सकता हूँ, कहाँ जहां तक लेना है प्रॉफिट लेते रहिए जबरदस्त तरीके से। तो इसने आपको माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट करके दिया, जो मैंने यहाँ लाइव मार्केट में भी दिया हुआ था आईएनआर में। तो इस तरह से आज मिला जुला रहा, एवरेज रहा, कुछ में टारगेट आया, कुछ में एसएल कटा, और बैंक निफ्टी में टारगेट आया, निफ्टी में टारगेट आया, अडानी में टारगेट आया, अपोलो हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल ने एमजीएल में टारगेट आया, ठीक है, टेक महिंद्रा में टारगेट आया, एसएल कट गया अडानी पोर्ट में, एसएल कट गया रिलायंस में, इस सब में एसएल आपका कट गया। तो ये था मेरा दोस्तों अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, जो मैं रोज लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें अगर आपको ईमानदारी से क्या लगता है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।